भाई है, वो छोटा भाई है। हम कहने का मतलब ये है, उसको एक तो शहीद हुआ है, 20 साल नौकरी किया है करके, बीवी बच्चा छोड़ के, माँ को छोड़ के बाहर नौकरी किया, 20 साल तो अलग रहा। जब वहाँ तो उसका डेथ हो गया, उसको अब झंडा ढांग के लेके आ गए, उसका झंडा का इज्जत देना चाहिए। झंडा का इज्जत नहीं है तो फिर उसका ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाल के आने लगा था, सफ़ेद कपड़ा डाल के लेके आना चाहिए। और जो झंडा डाल दे रहा, झंडा की इज्जत अलग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसी तरह उसकी इज्जत देना चाहिए। हमारा कहने का मतलब उसको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए और एक खुला गाड़ी लेके जाए, बस हमारा इतना रिक्वेस्ट है। चलो हमारा भाई चली गला, किसी कथा कोई बात नहीं है, भाई चल गया था ड्यूटी किया, चलो देश के लिए ये किया, 20 साल बिताया घर पर, बीवी बच्चे को छोड़ के 20 साल अलग रहा। रहने के बाद जब डेथ हो गया, उसको थोड़ा उसी तरह सम्मान सहकार उसको घर में पहुँचाना था। 80 साल का माँ है और छोटा छोटा बच्चा दो है, 1 5 साल के 2 साल का है, 4 दिन हो गया उनको खाना पीना नहीं है, क्या परिस्थिति है देखो उनका, क्या गुजरता होगा। और मरने के बाद एयरपोर्ट पे 10:40 से लेकर अभी टाइम कितना होगा, इतना घंटा वहीं पड़ा है, इसका कोई ये भी नहीं है जे उसको हाँ चलो हम लेके चला जाए, इसका कोई। मोर छोटा भाई प्रबीर शहीद प्रबीर कुमार नायक, जे कि एट आसाम राइफल्स रे मिजोराम सचिव डिस्ट्रिक्ट बर्मा बॉर्डर रे फाटकोन डिस्ट्रिक्ट रे फाटकोन रे तैनात थिले, तैनात कि तैनात थिबा अवस्था रे तांकर डेथ हेछि। तेणु मोर कहिबा कथा डेथ है 6 तारीख, उनका डेथ 6 तारीख 12:30 बजे हुआ है, जिसमें आज की कितना दिन हो गया, 4 दिन जाने के बाद में, 4 दिन अतिवाहित होने के बाद में आज जब एयरपोर्ट में पहुंचता है 12:30 बजे, तब कोई नहीं है इधर, कोई नहीं था। फिर मिलिट्री जो टीए बटालियन से 3-4 आदमी आए, 3-4 जवान आए, उसमें जेसो सब भी थे, जिसमें बोला कि आपका ये, मैं बोला कि आप आए कि, मैं आके पूछा, वो बोले कि हाँ हम आए आपका ये करने के लिए। मैं बोला ठीक है, कितना आदमी आए, कितना आए ना, 3 आए, क्या ना एम्बुलेंस आ रखा है, सिविल एम्बुलेंस, सिविल एम्बुलेंस में शहीद गार्ड ऑफ ऑनर लागू नहीं है क्या, शहीद नहीं, शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर फिजिकली डेथ हुआ है, मैं बोला फिजिकली डेथ है, फ्लैग ऑफ इंडिया ऊपर पड़ी, ऊपर में है, क्या इनको सैल्यूट लागू, इनको गार्ड ऑफ ऑनर लागू नहीं है, लागू नहीं है। और उन्हीं के स्टेशन कमांडर से मैं बात किया, स्टेशन कमांडर मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं, उनका मेजर साहब से बात किया, मेजर साहब ने तो जो नहीं हम नहीं दे सकते आपको गाड़ी, आपको बिहारी नहीं दे सकते, आपको ये गार्ड ऑफ ऑनर आपको सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है आपको हमको जो ये है वो ही देंगे बोल के। फिर मैंने बोला कि आप क्या गाड़ी की क्यों नहीं दे, ना आपको गाड़ी नहीं है, आप सिविल गाड़ी में जाइए, सिविल एम्बुलेंस में आया रखा है, वो भी हमारे, हम नहीं दे रहे, यू विल बी पेड बाई विडो, यू विल बी एम्बुलेंस पेमेंट विल बी पेड बाई शहीद विडो, ही टोल्ड स्टेशन कमांडर टोल मी। आप सोचिए उनकी 85 इयर्स की माँ है, फादर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे है, 5 साल का, 2 साल का बच्चे है, विडो है, 5 दिन हो गया, हाँ अभी भी तार शहीद पार्थिव शरीर इधर ही पड़ा है। आप बताइए क्या ड्यूटी, हमने 20 साल इसने बॉर्डर में ड्यूटी दिया है, क्या उनको पार्थिव शरीर इधर ही पड़ने के लिए, उनको कोई सम्मान नहीं है। ये मेरा रिक्वेस्ट है केंद्रीय सरकार, लोकल प्रशासन, कोई भी हमारे पास में नहीं आया अभी तक, कि आपका ये युवा है, आपको कोई इनकरेज कुछ करना, मोरल ये करना, कोई नहीं आया अभी तक। अभी तक ऐसे ही हम धूप में ऐसे पड़े हैं, आप तो देख रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं, वो बोलते हमको इन्फॉर्म नहीं है,